नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और ऐसे में अब जो परिणाम सामने आए हैं उसके मुताबिक 16 नगर निगम में से बीजेपी ने लगभग आधी से ज्यादा सीटें हाथ से गवा दी है। AIMIM की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है और कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर बढ़त बना ली है। ऐसे में क्या विजन होगा नगर निगम में नए महापौर का, मेयर्स का, किस तरह से विकास नगर निगम का होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के लिए, इन सबको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के 3 नगर निगम खंडवा, जबलपुर और सिंगरौली से, यानी उन शहरों के, उन नगर निगम के पहले नागरिक हमारे साथ जुड़ेंगे, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। खंडवा से हमारे साथ अमृता अमर यादव जुड़ेंगी और वो बताएंगे कि क्या खंडवा में उनका प्लान है, कैसे उनका विजन होगा। उसके बाद सिंगरौली की बात हम करेंगे रानी अग्रवाल के साथ में। आम आदमी पार्टी का खाता मध्य प्रदेश में खुल गया है, वो बताएंगी कि सिंगरौली में कैसे केजरीवाल का जादू मध्य प्रदेश में चलाएंगी। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम जबलपुर की, जहां 18 साल बाद कांग्रेस ने एंट्री कर ली है। जगत बहादुर सिंह अन्नू वो भी अपना पक्ष रखेंगे, अपना विजन रखेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं। सबसे पहले चलेंगे खंडवा में। खंडवा की आपको बता दें, खंडवा में आम आदमी पार्टी यहां पर विफल रही, जबकि बीजेपी कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर थी। AIMIM के 2 पार्षदों ने यहां पर एंट्री कर ली है। इन सब के अलावा सिंगरौली की अगर हम बात करें तो सिंगरौली में रानी अग्रवाल ने भी एंट्री करते हुए आम आदमी पार्टी का यहां पर जादू चल गया। चलेंगे पहले खंडवा, अमृता यादव जी का बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और रानी अग्रवाल जो कि सिंगरौली की मेयर है, आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में इन्होंने कराई है। मैडम आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उसके बाद हम चलेंगे जबलपुर, जगत बहादुर सिंह अन्नू से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले खंडवा और सिंगरौली का हाल जानते हैं। सबसे पहले अमृता यादव जी आपके पास आऊंगा। अमृता यादव जी, जो तस्वीर मध्य प्रदेश में है खंडवा में, आपको जिस तरह से आपके ससुर जी की सियासत थी खंडवा में हुकुमचंद यादव जी की, उसी के नतीजे आपको यहां पर जीत मिली है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा आपने और आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल आपको मिले खंडवा के विकास के लिए, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या विजन रहेगा खंडवा में, जिससे जनता एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताए? जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है और काफी विकास किया है पूरे शहर में, और आगे हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि शहर के लिए ज्यादा विकास कर सके। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी जल की समस्या आ रही है, जल तो काफी है, पर्याप्त है, बाकी उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को सुधारेंगे और बाईपास रिंग रोड के लिए प्रयास करेंगे, जिससे कि शहर का ट्रैफिक कम हो और यातायात की सुविधा सुलभ हो। पानी का संकट खंडवा में आज की बात नहीं है, सालों से चली आ रही है, दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ता है पानी को लेकर, पेयजल को लेकर, ग्रामीण अंचलों में भी यही हालात है, इसे कैसे दुरुस्त करेंगे आप? जी, जो हमारी पाइपलाइन डाली हुई है और जो ग्रामीण क्षेत्र में से निकली हुई है, तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि गर्मियों में भी जब किसान फसल ले रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो नर्मदा लाइन को फोड़ दिया जाता है। यदि नर्मदा लाइन टूटती है तो उसको ठीक करने में 2-3 दिन का समय लगता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो उस चीज को अपन प्रयास करेंगे कि उसको ठीक किया जाए, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, और सारे शहर को सही से पानी मिल सके। ठीक है, हमारे साथ सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल जी भी जुड़ी हैं। मैडम स्वागत है आपका एक बार फिर। क्या कुछ विजन होगा, केजरीवाल का जादू मध्य प्रदेश में चल गया, सिंगरौली में चल गया, क्या विजन होगा, क्या दिल्ली मॉडल सिंगरौली बनकर बन पाएगा? जी, सर्वप्रथम मैं सिंगरौली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में चुना, और मैं अपने सिंगरौली और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जो दिल्ली मॉडल के बेस के आधार पर और यहाँ पे जो नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होंगे, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे स्वच्छता, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत है, चाहे स्वच्छता की, चाहे कोई भी काम होगा वो जनता से पूछकर और सिंगरौली जिले में काम होगा, क्योंकि 20 सालों से यहाँ पे सिर्फ शोषण हो रहा है जनता का, चाहे कोई भी सरकारी योजनाएं हो उनका भी लाभ हमारी जनता को नहीं मिल रहा है, और रोड में भी सिर्फ लिपापोती हो रही है, कोई भी समस्या का यहाँ समाधान नहीं हुआ। इसलिए जनता ने इस बार बदलाव के रूप में आम आदमी पार्टी को चुना, और आप सबको भी जानकारी होगी कि यहाँ पे हमारे जो दिल्ली के CM हैं परम सम्मानीय केजरीवाल जी भी आए थे, और उन्होंने भी भरोसा दिया है कि नगर निगम के अंतर्गत जो भी काम होंगे हम सब साथ मिलकर, और उस पर बिल्कुल हमारा भी फोकस रहेगा, और बाकी आप जो भी। हाँ, केजरीवाल साहब ने फोन करके आपको बधाई दी, क्या कुछ कहा था उन्होंने फोन पर? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बधाई दी। सबसे पहले उन्होंने जनता को भी
के लिए भी बधाई दी और अपने जितने भी जिले के पदाधिकारी थे और कार्यकर्ता थे उनको भी बधाई दी। साथ में उन्होंने कहा कि रानी जी आपको काम करना है और जनता का जो भरोसा है आपके ऊपर उनके ऊपर खरी उतरना है आपको। पहली बार मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की मेयर बनी है सिंगरौली में, आप क्या विजन होंगे, कैसे काम करेंगी, समस्याएं कई आएंगी, सरकार चूंकि ना राज्य में है ना केंद्र में आपकी? जी जी हाँ, समस्या आएंगी कोई बात नहीं, आम आदमी पार्टी जानती है समस्या का समाधान करना, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल जी जिन्हें अनेक बाधा आते आते यहाँ तक पहुँचे हैं और हम सब भी उनके मार्गदर्शन पर काम करेंगे यहाँ पे सिंगरौली जिले में, और जितना भी होगा चाहे आंदोलन करना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, और चाहते हैं कि सरकार से भी निवेदन रहेगा कि जितने भी जनता तक पहुंचे उनका काम। अमृता जी, अमृता यादव जी, सरपंच का चुनाव आप मायके में जीती और ससुराल में आकर आप मेयर बन गई, कैसे देखेंगे इस पूरे सफर को, क्या कुछ उतार चढ़ाव आए, किसने ज्यादा सहयोग किया, कहां आपको शिकस्त मिली? जी देखिए, वो ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव था, वहाँ चुनौतियाँ कम थी, ये शहरीय क्षेत्र का है तो यहाँ चुनौतियाँ थोड़ी ज्यादा थी। बाकी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सारे शहर की जनता ने काफी सहयोग किया और हम सबकी मेहनत रंग लाई जिससे कि हम भारी बहुमतों से विजय। बिल्कुल, आप जीत गए हैं, बधाई आपको इस बात की। लेकिन खंडवा के आज भी कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, लगातार जो पानी की समस्याएं जनता के सामने आती है उनका मुद्दा हो, ग्रामीण आवासों का मुद्दा हो, ग्रामीण अंचलों में अभी भी सूखे जैसे हालात खंडवा में देखने को मिल जाते हैं, उनको कैसे दुरुस्त करेंगे, वहाँ जो कमियाँ हैं उन्हें कैसे ठीक करेंगे? ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सड़कें नहीं बनी हैं, सारे शहर में रोड भी व्यवस्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समय अवधि तक ही वो चीजें व्यवस्थित रहती हैं, कुछ ना कुछ उनमें फिर दिक्कतें आने लगती हैं, तो उन सबको अपन ठीक करेंगे अब आगे जाके। और जल में मैंने आपको जैसे पहले भी बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत है और जो भी पाइपलाइनों में प्रॉब्लम आ रही है उन सब चीजों को सुधारेंगे, तो जिससे जहां जहां कॉलोनियों में पानी सही सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है तो पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले 6 महीनों में अपन उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर और सारे शहर को पानी पहुंचा सके। चुनाव आपने लड़ा, जमीन पर उतर कर लड़ा, बहुत मेहनत की होगी, जाहिर सी बात है संघर्ष किया होगा तभी जीत आपके हाथ आई है, कैसा संघर्ष रहा, टक्कर किसने आपको कांटे की दी? देखिए, हम अपने लक्ष्य को लेके चले थे और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जी हैं और उन्होंने जो जन कल्याण योजना है, विकास जो किया है वो सारी जनता जानती है और कहीं ना कहीं सभी लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं, तो बस वही जो विकास हुआ है उसी को मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़े थे और हमें जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। प्रतिद्वंदी आपकी आशा मिश्रा, जिनके प्रतिद्वंदी जिनके ससुर जो थे वो आपके ससुर के प्रतिद्वंदी रहे हैं बल्ली मिश्रा, इस कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरे ससुर जी स्वर्गीय हुकुमचंद जी का सवाल है तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा जीवन दिया और अच्छे से अच्छा उनका कार्यकाल रहा, तो उनके ही आशीर्वाद से और उन्होंने जो कार्यकाल अपना पूरा किया और अच्छे काम किए तो बस उन्हीं के जैसे हम भी पूरे शहर का विकास करेंगे और अपने कार्यकाल को सफल बनाएंगे। कांग्रेस के साथ आपकी टक्कर थी, MIM ने भी एंट्री कर ली है खंडवा में, क्या दिक्कत होगी आपको काम करने में उन वार्डों में जहां पर आपके पार्षद नहीं जीत पाए? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सबके जनता के सहयोग से और सारे शहर का ही विकास करेंगे। ठीक है, चलेंगे सिंगरौली, रानी अग्रवाल से एक बार फिर बात करते हैं। रानी अग्रवाल जी, आम आदमी पार्टी ने एंट्री कर ली है मध्य प्रदेश में, आपने एंट्री कराई है मध्य प्रदेश में, आप मेयर बन गई हैं, क्या विजन होगा सिंगरौली को लेकर, सिंगरौली के आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ता है, चाहे BJP के मेयर रही हो लेकिन अब आम आदमी पार्टी की मेयर बन गई है, तो जमीनी मुद्दे क्या है सिंगरौली के जिन्हें आप दुरुस्त करेंगी? हाँ, जमीनी मुद्दे, आज तक जो पाइपलाइन बिछाई गई है जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है, साफ स्वच्छ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आप देखें तो कोई भी व्यवस्था अच्छे ढंग से नहीं है, चाहे रोड की भी व्यवस्था आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई, सिर्फ लिपा पोती नगर निगम में होता है, भ्रष्टाचार पे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फैला हुआ है, हर चीज में भ्रष्टाचार चलता है, उस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास करेंगे और जितना भी जनता से पूछकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता से पूछकर ही काम करेगी, हर वार्डों में बिल्कुल उनसे पूछकर ही काम किया जाएगा, चाहे रोड की व्यवस्था हो चाहे पानी, क्योंकि यहाँ की आप सब जान रहे हैं कि बिजली का बिल इतना आ रहा है कि बिल्कुल जनता को इतना उनका सामना करना पड़ रहा है, उससे बातचीत करके उस पर भी सब काम किया जाएगा। ठीक है, आप महिला भी हैं, शिक्षित भी हैं, कैसे काम करेगी कि ज्यादा से ज्यादा फायदा महिलाओं को मिले, महिलाओं को शिक्षित करने को मिले, जागरूक करने को मिले, लगातार बढ़ रहे अपराधों में कमी लाने को मिले? जी जी
तो ऐसा होगा कि जैसे कि हर वार्डों में कैमरे लगाए जाएंगे, उससे जनता का और हमारा प्रयास भी रहेगा कि ऐसी बसें चलाई जाएं ताकि नगर निगम में जहां एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़े उनको, तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। हमारे जो युवा बच्चे लड़के हैं पढ़ाने के लिए, उनके लिए भी फ्री का किया जाएगा। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं ठेला से, सबके लिए भी काम करने का जितना भी हमसे होगा पूरा प्रयास किया जाएगा। यानी दिल्ली वाला मॉडल, फ्री वाला मॉडल अब मध्य प्रदेश के सिंगरौली में देखने को मिलेगा, कहें हम? अभी तो अगर हमारी सरकार बनती तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि सरकार का भी रहे सहयोग, तो पूरा रहेगा ये काम। कहीं समस्याएं आपको आ रही होंगी, क्योंकि अब शपथ आप लेंगी, मेयर की कुर्सी पर आप बैठेंगी, काम संभालेंगी, जो त्रुटियां होंगी जनता का आशीर्वाद है और उसी के हिसाब से फिर काम किया जाएगा। ठीक है, खंडवा की बात कर लेते हैं। अमृता यादव जी लगातार बनी हुई हमारे साथ में। अमृता यादव जी, समस्याएं खंडवा में अभी भी कुछ हैं, जैसे पानी की समस्या के अलावा लगातार जब बारिश होती है तो वहां सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती, तस्वीर हमने अभी एक हफ्ते पहले देखी थी खंडवा की, उन सब के लिए उन कमियों को ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे प्रारंभिक तौर पर? जी, जो भी यहाँ नालियों की समस्या हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कत है, तो उन सब के लिए प्रयास करके उसको सही करेंगे, जिससे कि आगे कहीं पानी का भराव नहीं हो और पानी आराम से बारिश का पानी निकले, जिससे कि कहीं भी शहर में पानी का भराव नहीं हो। ठीक है, एक और अहम सवाल आप दोनों से, मेरा कॉमन सवाल है। अमृता यादव जी, पहले आपसे पूछूंगा, मेयर की चेयर पर बैठने के बाद पहला साइन, पहली योजना, पहला फैसला आप कौन सा लेंगी, पहला काम कौन सा करेंगी खंडवा में जो जरूरी होगा सबसे ज्यादा? जी सर, सर अपना पूरा प्रयास पानी के लिए रहेगा, क्योंकि आज शहर में पानी की कहीं ना कहीं दिक्कत ज्यादा आ रही है और लोग उसके लिए परेशान भी हैं। तो सबसे पहला काम अपना यही रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी प्रयास करके पानी की समस्या को हल करें और सारे शहर को उसकी सुविधा मिल सके पानी की। यानी पानी खंडवा में बड़ा मुद्दा और उसी को आप ठीक करेंगी, इसी की कमी को पूरा करेंगे। ठीक है रानी अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा। मेयर की चेयर पर आप बैठने वाली हैं बहुत जल्दी शपथ ग्रहण होने के बाद, कौन सा बड़ा काम आप सिंगरौली में करने जा रही हैं जिसको देखकर दूसरे मेयर भी ऐसा काम करें या दूसरे पार्षद वैसा काम करें, कौन सा पहला काम होगा? यहाँ पे रोड की बहुत ही समस्याएं हैं, हर जगह वो पाइपलाइन बिछाई गई है तो सिर्फ गड्ढे कर दिए गए। सबसे पहले ये भी काम होगा, नाली को व्यवस्थित किया जाएगा हर जगह से, और जो भी जरूरतें होंगी जनता के हित में उसी को काम किया जाएगा। क्या लग रहा है आपको आगे योजनाओं में, प्लान्स में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चूंकि ना मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है ना केंद्र में आपकी सरकार है, क्या कोई दिक्कत आएगी काम करने में? काम करने में दिक्कत आएगी, लेकिन जनता का साथ रहेगा तो आसानी से काम होगा। और हम चाहेंगे कि जितने भी और अन्य पार्टियों से भी जो हमारे पार्षद हैं, सरकार हैं, हम निवेदन करेंगे कि जनता के हित में ही काम हो और साथ मिलकर काम हो। जी अमृता यादव जी, आपके पास आऊंगा। आने वाले 5 साल बाद खंडवा को आप कहाँ देखती हैं? जी देखिए, खंडवा में ऐसा नहीं है, विकास तो बहुत हुआ और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आज से शहर और आगे ही जाए। तो अपन मतलब पूरी हमारी यही योजना रहेगी कि शहर का जितना विकास कर सकते हैं उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं 18 साल बाद। फिर से सुनिएगा, 18 साल बाद कांग्रेस ने एंट्री करी जबलपुर की मेयर की चेयर पर। जगत बहादुर अन्नू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला सवाल, कैसे एंट्री करी, 18 साल बाद आप मेयर की चेयर पर बैठेंगे, कांग्रेस की सरकार होगी नगर में, क्या वो बड़े काम होंगे जो कांग्रेस का मेयर करने जा रहा है, जगत बहादुर सिंह अन्नू करने जा रहा है? 20 वर्षों से हम लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, और चाहे सोशल सर्विस की बात हो चाहे पॉलिटिकल बातें हो, और हम लोग लगातार संघर्षरत थे और मन में एक ख्वाहिश थी कि कभी मौका मिले तो जबलपुर शहर के लिए बहुत कुछ कर सके, और इसी लम्हे का इंतजार था जब हम लोग मेहनत करते करते यहाँ तक पहुंचे। 18 वर्षों में लोगों ने पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, उनके काम देखे, हम लोगों की 20 वर्षों का संघर्ष देखा, हम लोग को अपने पैमाने के तोला उन्होंने कसौटी से कसा, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस इस बात के लिए उनको खड़े देखे कि हम लोग आने वाले समय में जबलपुर शहर के लिए काम करेंगे, कि जबलपुर शहर हमारा बहुत पीछे चला गया है। प्रमुख रूप से जो आप बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, उस दो तरीके से हम लोगों ने बांटा है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं सबसे पहले उनको दूर करना है, जैसे कि जल संकट की बात है, जल प्लावन की बात है, और हमारे यहाँ सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, नालियों की स्थिति बहुत खराब है, ये बेसिक जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो हमको उसको पूरी करना है। सबसे पहला काम पहले घंटे में जो हम लोग करने वाले हैं कुर्सी में बैठने के बाद, वो पहला काम यही होगा कि हम लोग मानवदा में मिलने वाले जो गंदे नाले हैं उनकी एक फाइल
चालू होगी जो फाइल ये निश्चित करेगी कि साल भर के अंदर मानवदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी उसमें नहीं मिलेगा। मानवदा का शुद्धिकरण, संरक्षण और संवर्धन अत्यंत आवश्यक है, वो हमारी जीवनदायिनी है। इसके बाद जो जबलपुर शहर का सौंदर्यीकरण करना है, हम लोग को जो भोपाल, इंदौर और बाकी के शहर जबलपुर शहर से आगे निकल गए, संकल्प है हम लोगों का कि दिन रात मेहनत करके अपना सर्वस्व निछावर करके जो आशीर्वाद आम जनता ने हम लोगों को शहर में दिया है, उसके बदले में हम लोग जबलपुर शहर को 5 वर्ष में महानगर की शक्ति में लाकर खड़ा करेंगे, शहर बनाएंगे। चाहे यहाँ पे एक IPL हो हमारे शहर में, ऐसा हम लोगों का स्वप्न है। हम लोग यहाँ पर एक बड़ा स्टेडियम निर्माण करेंगे, रिवर फ्रंट होगा हमारा बहुत बढ़िया, टाइगर सफारी भी हो सकती है, यहाँ पर अस्पताल अच्छे होंगे, स्कूल अच्छे होंगे, शिक्षा चिकित्सा पे बहुत जोर दिया जाएगा, हर वार्ड में एक शासकीय स्कूल, स्मार्ट स्कूल होगा हर वार्ड में, हर वार्ड में क्लिनिक होगी, जो हम लोगों ने पाया कि अगर कोरोना के समय में होती तो शायद मौतों की संख्या उसका प्रतिशत कम होता। इस तरीके से बहुत सारी बातें, जो जबलपुर ने एक स्वप्न देखा है, जो हम लोगों ने एक ख्वाब देखा है कि हमारा जबलपुर कैसा हो, उसको हम लोग 5 वर्ष के अंदर धरातल पर लाएंगे और जबलपुर शहर पे बहुत खूबसूरत शहर निश्चित तौर पर। क्या आपको लगता है ऐसा कि आने वाले वक्त में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वित्त को लेकर हो, फंड को लेकर हो, विकास की योजनाओं को यहाँ पर पास करने को लेकर हो जबलपुर के लिए? हम लोग विपक्ष में रहने की आदत रही है जी, तो हम लोगों को संघर्ष करके काम कराने की भी आदत है। हम लोग विपक्ष में रहते हैं तो काम बहुत आसानी से कर लेते हैं, अब सत्ता में है और आसानी होगी। तकलीफें जीवन के हर मोड़ पे आती है, चाहे परिवार हो चाहे बाहर हो, तकलीफें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तकलीफें नहीं आती, तकलीफें आएंगी और जाएंगी, अगर इरादे बुलंद है हम लोग एक जुट होकर, चाहे विपक्ष के लोग हों चाहे सत्ता के लोग हों, अगर भावना जबलपुर शहर को ठीक करने की है मुझे लगता कहीं तकलीफ नहीं आएगी। तकलीफ वही लोग पैदा करेंगे जिनको जबलपुर शहर से प्रेम नहीं होगा और विकास को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे, वही लोग तकलीफ करेंगे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है जैसा कोई भी व्यक्ति नगर निगम में आया है या जबलपुर शहर में किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति में ये भावना है कि जबलपुर शहर अब हमारा आगे ना बढ़े। सब यही चाहते हैं जबलपुर शहर एक विकसित शहर बने, खूबसूरत शहर बने, लोग जबलपुर में आए तो देखें कि उपेक्षा के दंश से कैसे हमारा जबलपुर शहर बाहर निकल चुका है। क्या संघर्ष रहा आपका, चूंकि बहुत मेहनत की होगी आपने, क्योंकि 18 साल बाद कांग्रेस फिर से जबलपुर में सरकार बना रही है और संघर्ष का जो वक्त था वो बीत चुका है, आप मेयर बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं, क्या कुछ देखा संघर्ष के इस पूरे दौर में आपने? हम लोगों को लड़ाई लड़ना होती थी, हम लोग, मैं पार्षद भी था नगर निगम में, मैं कांग्रेस पार्टी में, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जबलपुर शहर का, उसके पहले प्रवक्ता भी था मैं, उसके पहले उपाध्यक्ष भी था। कांग्रेस परिवार में रहकर बहुत संघर्ष करना पड़ा, नगर निगम के अंदर रहकर मैं माननीय सांसद विवेक शंकर जी का प्रतिनिधि भी था, लगभग 15 वर्ष मैंने बड़े करीब से नगर निगम को देखा है, लगभग 10 से 12 बजट पर नगर निगम के अंदर सदन में मैंने चर्चा की है। हम लोगों को संघर्ष हर काम के लिए करना पड़ता था, हम लोगों को इस बात को तैयार कराने में बहुत तकलीफ जाती थी कि आप फ्लाईओवर बनाइए, आप बॉटल नेक्स हमारे यातायात के क्लियर करिए, आप सड़कों को चौड़ीकरण करिए, आप जो हमारा वो कहता है बजट के हिसाब से हमको जो PWD के काम करना चाहिए हम कर नहीं पाते, सड़कें हमारी टूटी होती है। मां नर्मदा की अनुभी एक सवाल लूंगा आपसे, जरूरी सवाल है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की मेयर, सिंगरौली की मेयर जुड़ी हुई है, आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो चुकी है, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की एंट्री को आप मध्य प्रदेश में? हमारे साथ रानी अग्रवाल लगातार बनी हुई है, मेयर हैं सिंगरौली की। देखिए जितने भी हमारे स्टेट हैं पूरे देश में ये सब जगह एंट्री हो रही है जी, और मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी की एंट्री का कारण जो है वो है भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां जी। अगर ठीक तरीके से सरकार काम करती तो यह स्थितियां नहीं होती, और जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने दिए और इनको जो प्रत्याशी बनाया ये इनका प्रत्याशी होना बहुत बड़ा कारण था आम आदमी पार्टी की जीत का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे आम आदमी पार्टी की जीत से ज्यादा इनकी जीत माना जाए, क्योंकि इनका जो संघर्ष और इन्होंने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है और जो परिणाम सामने आए हैं, मुझे ज्यादा करके ये लगता है कि इनकी व्यक्तिगत जीत है बजाय इस बात के कि आम आदमी पार्टी के जनादेश को मानेंगे ना। नकारा जनादेश तो 100% है और आम आदमी पार्टी के चिन्ह पे है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, और आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में आ गई है और इस बात के लिए चिंता और चिंतन सभी को करना चाहिए और करना होगा, इस बात को चिंतन करना होगा कि अब जनता हर तरीके से उन लोगों को चाहती है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, और जब वो आएंगे जनप्रतिनिधि बनेंगे तो काम करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आम जनता
कहीं पार्टी नहीं देखेगी, कहीं व्यक्ति नहीं देखेगी, वो तो सिर्फ यही देखेगी कि शहर का मध्य प्रदेश का विकास हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, खंडवा की मेयर अमृता यादव जी लगातार बनी हुई हमारे साथ में। अमृता यादव जी, AIMIM की एंट्री खंडवा में हुई है, MIC में हुई है, कैसे देखते हैं AIMIM की एंट्री को आप, और ऐसे में कितनी चुनौतीपूर्ण साबित होगा आपके लिए आने वाला 5 साल का सफर, जब कुछ और दलों के पार्षद भी आपके साथ बैठेंगे काउंसिल में? अमृता जी, सवाल दोहराता हूं मैं, AIMIM की एंट्री खंडवा में हो चुकी है, और कितना चुनौतीपूर्ण सफर मानते हैं आप इस बात को, और इस एंट्री को कैसे देखते हैं खंडवा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास किया है और विकास का ही साथ दिया, और हमेशा विकास को साथ लेकर ही वो अपने चुनाव में उतरते हैं। अब ये जो ओवैसी जी आए और उन्होंने जो जिस प्रकार के वो देते हैं, ऐसा है कि कुछ तो वो मतदान अपने पक्ष में ले लेते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि वो सभी पूरे शहर पर उस चीज का प्रभाव पड़ता है। तो आगे भी भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी उनकी वजह से। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमृता यादव जी, रानी अग्रवाल जी, जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने विजन हमारे साथ रहने के लिए, News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को वक्त देने के लिए। तो ऐसे में जो ये थे मध्य प्रदेश के 3 नगर निगम, जबलपुर, खंडवा और सिंगरौली के मेयर, पहले नागरिक उन 3 शहरों के जो विकास करेंगे अपने अपने शहरों में, अब मेयर के चेयर पर बैठेंगे, उसके बाद शपथ लेने के बाद काम शुरू करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल बाद ये शहर कितना आगे बढ़ पाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।